हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस केमिस्ट्री। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 और उसका सॉल्यूशन। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो रिएजेंट फर्स्ट है, ये आपके पास है कैटलिटिक अमाउंट ऑफ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और उसके साथ NMO। अब देखो, ये जो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है, ये करता क्या है? ये करता है डायल फॉर्मेशन। ओके, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिएजेंट का रोल क्या होता है। तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जो है वो डायल फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और जब भी ये डायल बनेंगे तो दोनों OH क्या होंगे, दोनों के दोनों सीन होंगे, ठीक है। दोनों के दोनों सेम साइड में OH रहेंगे, डायल फॉर्मेशन जो होगा सेम साइड से होगा। उसके बाद देखो, यहाँ पे दिया हुआ है NMO, ये होता है कोऑक्सीडेंट। और इस कोऑक्सीडेंट का रोल क्या होता है, यहाँ पे देखो, हमने कैटलिटिक अमाउंट ऑफ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड को यूज किया है, ठीक है। बहुत ही कम क्वांटिटी हम यहाँ पे यूज करते हैं, क्योंकि क्योंकि देखो, यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड रिएक्ट करता है। जब ये रिएक्ट करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, सबसे पहले तो था ये +8 में, तो +8 से ये कन्वर्ट होगा +6 में, और यहाँ से फिर से इसे +8 मिलाएगा NMO। तो जो भी रिएक्ट होगा उसे फिर से आप क्या बनाओगे, उसके ओरिजिनल स्टेट में लेके आओगे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड को, या फिर ऑस्मियम को +6 से +8 में, जो कौन करेगा यहाँ पे, NMO करेगा, जो कि क्या है, एक कोऑक्सीडेंट है। इसीलिए ही यहाँ पे हम कैटलिटिक अमाउंट में ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड को यूज करते हैं। तो हमने देखा कि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड डायल फॉर्मेशन करता है, तो मैंने तो बता दिया कि डायल फॉर्मेशन जो है वो सेम साइड से होगा। पर सेम साइड मतलब कौन सी साइड, तो जिस साइड में लेस स्टेरिक रिपल्शन होगा, ठीक है, लेस स्टेरिक रिपल्शन जिस साइड में होगा उस साइड से ये ऐड होगा। ओके, देखो यहाँ पे इसे हम देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट यहाँ पे बनने वाला है। तो यहाँ पे आपके पास है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड पे डायल फॉर्मेशन होगा बायोजिंग ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और NMO। यहाँ इसका जो मैकेनिज्म है वो आप कहीं पे भी देख सकते हो, या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में इसका मैकेनिज्म मैं आपको बता दूंगा। तो देखो, जब डायल फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे जो OH है, यहाँ पे जो OH आएगा वो सेम साइड से आएगा। ओके, अब उसके बाद हमें देखना है कि वो एक्चुअल में सेम साइड कौन सी होगी, वो अबो दी प्लेन होगा या फिर बिलो दी प्लेन होने वाला है। तो सबसे पहले हम ये वाले ग्रुप इस पे लिख देते हैं, यहाँ पे OBN, और यहाँ पे भी ये अबो दी प्लेन है और ये बिलो दी प्लेन है OBN। अब देखो, मैंने बताया आपको OH तो सेम साइड में रहेंगे, दोनों की स्टेरियोकेमिस्ट्री सेम होगी, दोनों सीन रहेंगे, पर जिस साइड में स्टेरिक रिपल्शन कम है उस साइड से दोनों OH यहाँ पे आएंगे। इसका मतलब देखो, एडजेसेंट पोजीशन का जो कार्बन है ये वाला, इस पे दोनों ग्रुप जो है बिलो द प्लेन है। इसका मतलब जो बिलो द प्लेन साइड है वो ज्यादा स्टेरिक रिपल्शन वाली साइड है। तो यहाँ पे होगा क्या, जो अबोव द प्लेन साइड है वो कम रिपल्शन वाली है। इसका मतलब दोनों OH जो है वो यहाँ पे अबोव द प्लेन होंगे, ठीक है। तो समझ गया, दोनों OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम होगी और लेस स्टेरिक रिपल्शन के साइड से दोनों OH आना यहाँ पे पसंद करेंगे। उसके बाद देखो, नेक्स्ट रिएजेंट जो है वो है KHMDS। ये होता क्या है, ये है बेस। ओके, ये होता है बेस। अब देखो, ये एक बेस है और यहाँ पे ये THF सॉल्वेंट है। तो ये बेस क्या करेगा, बेस एसिडिक प्रोटॉन निकालेगा और यहाँ पे एक रिएक्शन होगी। तो देखो, यहाँ पे देखो, इस कार्बन पे SI ग्रुप है, ठीक है, SiMe2PH है। ओके, तो अगर एडजेसेंट OH के एडजेसेंट पोजीशन पे
OH के एडजेसेंट कार्बन पे सिलिकॉन एटम या उसका कोई ग्रुप प्रेजेंट है, सिलिकॉन का ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पे रिएक्शन होती है और उस रिएक्शन का नाम है पीटरसन ओलिफिनेशन। ओके, कौन सी ओलिफिनेशन? पीटरसन ओलिफिनेशन। तो यहाँ पे रिएक्शन जो है वो होगी पीटरसन ओलिफिनेशन। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके दो पार्ट हैं। कौन कौन से भाई? तो अब या तो आप इसमें एसिड यूज कर सकते हो या फिर इसमें आप बेस यूज कर सकते हो। जैसे कि इस वाली रिएक्शन में हम यहाँ पे बेस यूज करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर OH के एडजेसेंट कार्बन पे सिलिकॉन वाला ग्रुप है तो यहाँ पे पीटरसन ओलिफिनेशन होगी इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। तो देखो, अगर आप यहाँ पे एसिड यूज करते हो तो यहाँ पे होगा एंटी इलिमिनेशन, और यहाँ पे अगर आप बेस यूज करोगे तो होगा सीन एलिमिनेशन और सीन इलिमिनेशन, और उसके बाद ओलिफिन का फॉर्मेशन होगा, इसका मतलब अल्किन का फॉर्मेशन होगा। तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे बेस है, बेस का मतलब यहाँ पे सीन इलिमिनेशन होने वाला है। तो देखो ये यहाँ पे भी आपके पास OH है और इस OH की ये एंटी पुज इसके रिस्पेक्ट में ये एंटी है और इसके रिस्पेक्ट में ये सीन है। तो देखो ये और ये इन दोनों के बीच में रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि ये दोनों एंटी हैं। अगर यहाँ पे एसिडिक कंडीशन होती तो ये इलिमिनेट होता और यहाँ पे अल्किन बन जाता, पर ऐसा नहीं है। जहाँ जैसे कि यहाँ पे बेसिक कंडीशन है, बेसिक कंडीशन में क्या होगा? बेसिक कंडीशन में आपके पास सीन इलिमिनेशन होने वाला है। तो होता क्या है, देखो ये सबसे पहले आपको पता है कि क्या है, होगा O माइनस बनेगा, बेसिक कंडीशन है तो क्या बनेगा? O माइनस बनेगा। तो बाकी के ग्रुप तो मैं अभी यहाँ पे नहीं लिखूंगा, जितना मुझे चाहिए उतना ही मैं लिखने वाला हूँ। और ये है O माइनस। अब होता क्या है, ये O माइनस इस सिलिकॉन पे अटैक करता है। अब देखो ये O माइनस इस सिलिकॉन पे अटैक करने वाला है, इसीलिए ये दोनों ग्रुप जो है वो सेम साइड में होने चाहिए। इसीलिए बेसिक कंडीशन में दोनों ग्रुप सेम साइड में अगर होते हैं तो ही क्या होता है, यहाँ पे इलिमिनेशन होता है और उसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो उसके बाद देखो होगा क्या, ये सिलिकॉन पे अटैक करेगा, ये सिलिकॉन पे अगर अटैक करेगा तो ये इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद देखो इस पे आ गया कार्बन पे निगेटिव चार्ज और ये बन गया OSIME2PH। ओके, उसके बाद होता क्या है, ये यहाँ पे आता है और ये इस तरह से चला जाता है और इस तरह से यह इस पोजीशन पे क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे बनने वाला है, यहाँ इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड बनने वाला है। बाकी जो ग्रुप है वो अभी आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे है OH, इस पोजीशन पे भी है OH, और देखो यहाँ पे अबो दी प्लेन OBN और यहाँ पे बिलो दी प्लेन है शायद OBN। तो इसके हिसाब से अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो ये जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ये इसके लिए करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन बी में देखो OH बिलो दी प्लेन था जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि जिस साइड में स्टेरिक रिपल्शन ज्यादा है उस साइड में OH नहीं आने वाला है। यहाँ पे देखो ये जो प्रोडक्ट है ये बनता अगर आपके पास एसिडिक कंडीशन होती है, अगर एसिडिक कंडीशन है तो ये दोनों ग्रुप, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप इलिमिनेट होता और ये प्रोडक्ट बनता, पर यहाँ पे तो बेसिक कंडीशन है वैसा नहीं होगा। यहाँ पे देखो OH आपका विरोधी प्लेन से आया है, उसके बाद यहाँ पे इलिमिनेशन करवाया है, इसलिए ये भी गलत है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहले आपको ऑस्मियम टेट्रोक्साइड से डायल फॉर्मेशन करना था जो कि सिम डायल बनाता है, और लेस स्टेरिक रिपल्शन के साइड से
डायल का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो क्या आपने आपने किया पीटरसन ओलिपिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, जिसमें कि सीन इलिमिनेशन होगा और अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।